वेलकम टू सपनों का रही से। हम अपने सभी दर्शकों को उनके सपने की व्याख्या के फेवरेट चैनल सपनों का रही से पे स्वागत करते हैं। आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं वो है सपने के अंदर अपने हाथ की उंगलियां देखना। अगर कोई व्यक्ति राइट हैंड की फिंगर्स देखता है तो इसका मतलब अपने धर्म के अनुसार उसकी पूजा पाठ करना है, और अगर कोई लेफ्ट हैंड की फिंगर्स देखता है तो इसका मतलब अपने बेटे या अपने भाइयों को देखना है। अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर अपना अंगूठा देखे तो इसका मतलब सुबह फर्स्ट टाइम के समय की पूजा पाठ है, और सेंटर वाली फिंगर का देखना दोपहर यानी सेंटर टाइम की पूजा पाठ है, और रात के समय की जो पूजा पाठ है वो बिल्कुल राइट हैंड की छोटी उंगली को देखना है। और इसी तरह अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर देखता है उसके दाएं हाथ की यानी सीधे हाथ की कोई उंगली टूटी हुई है, कटी है या उस पे कोई घायल होने का निशान है, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला जो है उसका भाई या उसका बेटा या उसका भतीजा यानी उसके भाई के बेटे की डेथ होगी। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर देखे कि उसके हाथ की जो उंगलियां हैं वो आपस में मिलती नहीं बल्कि खुली हैं, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला अपने जो उसकी लाइफ बीत रही है उसके अंदर वो टेंशन प्रॉब्लम देखेगा, लड़ाई झगड़ा, और उसका समय बहुत मुश्किल से समाप्त होगा। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर ये देखता है कि उसकी उंगलियां आपस में मिली हुई हैं तो इसका मतलब है कि अगर उसके ऊपर कोई कड़ा समय आ गया तो उसके पड़ोसी, उसके भाई, उसके बेटे उसकी हेल्प करेंगे, उसके साथ खड़े होंगे। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर देखे कि वो किसी पागल व्यक्ति की तरह अपनी उंगलियों को खोलता और बंद करता है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला जो है उसके काम रुक जाएंगे। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर देखे कि उसका अंगूठा कटा हुआ है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले को बहुत ज़्यादा माल मिलेगा और उसे बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी। और इसी तरह अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर देखे कि उसके दाएं हाथ की बड़ी उंगली और अंगूठे के दरमियान वाली जो उंगली है वो घायल हुई है, कटी है या उस पर कोई और प्रॉब्लम बनी है, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला अपने धर्म के अनुसार जो पूजा पाठ है वो नहीं करता और अपने धर्म की बातों को नहीं मानता। और इसी तरह अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर ये देखे कि उसकी बड़ी उंगली जो है, दाएं हाथ की बड़ी उंगली जो है वो कटी हुई है या उसमें कोई फॉल्ट आया है, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला जो बिजनेस करता है या जहाँ पर वो जॉब करता है वहाँ का कोई बड़ा व्यक्ति, कोई ऑफिसर या किसी बड़े व्यक्ति की डेथ होगी। और इसी तरह अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर देखे कि उसके दरमियान वाली उंगली के साथ वाली उंगली घायल हुई है, कटी है, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला जो है वो बिजनेस में लॉस देखेगा, अगर जॉब करता है तो जॉब से टर्मिनेट हो सकता है। और इसी तरह अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर देखे कि उसकी सबसे छोटी उंगली यानी लिटिल फिंगर जो है वो कटी है, घायल हुई है, तो इसका मतलब है कि उसका बेटा या उसका भतीजे की डेथ होगी। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर अपने पाँव की उंगलियों को देखता है तो पाँव की उंगलियों को देखना मेकअप करना होता है। अगर कोई पाँव की उंगलियों को देखे कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और उनमें बहुत ज़्यादा पावर है, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला जो है बहुत जल्द विवाह करेगा। और अगर कोई देखे कि उसकी उंगलियाँ खुली हुई हैं और उनमें पावर नहीं है, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले को आने वाले समय पर कोई परेशानी या कोई चिंता देखना पड़ेगी। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर देखे कि उसने उंगलियों को देखा है तो सपनों में उंगलियों का देखना 6 प्रकार पर होता है। नंबर 1 अपना बेटा देखना, नंबर 2 भतीजा यानी भाई का बेटा देखना, नंबर 3 कोई नौकर या कोई अपने पास व्यक्ति हेल्पर को देखना, नंबर 4 किसी दोस्त को देखना, नंबर 5 पावर का मिलना, नंबर 6 अपने धर्म के अनुसार अपनी लाइफ को बिताना। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर देखे कि उसकी उंगलियां गिर गई हैं
या कट गई हैं, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला अपने रिश्तेदारों से दूर जाएगा या किसी दूसरे कंट्री में जाकर कोई बिजनेस या जॉब करेगा। और अगर कोई देखे कि उसकी उंगली टूटी है, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले के अहले खाना यानी उसके घर वालों में से किसी की डेथ होगी। और अगर कोई व्यक्ति सपने में देखे कि उसके अंगूठे से दूध निकलता है या उसकी जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है उससे ब्लड निकलता है, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला अपने ससुराल वालों के साथ झगड़ा करेगा। और अगर कोई व्यक्ति सपने में देखे कि उसके हाथ से या उसकी उंगलियों से आवाज आती है, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले के रिश्तेदार, उसके दोस्त इसके साथ किसी बात पर झगड़ा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपका सपना आपके लिए अच्छी व्याख्या बने। अनुमति चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए सपने की व्याख्या के साथ।